उसके बावजूद भी हमारे को रात दिन ये सुनने को आ रहा है कि आपके बच्चों को आज निकालेंगे, कल निकालेंगे, परसों निकालेंगे। हमारा माँ बाप का घर से निकलना दूभर हो रहा है। दूसरे लोग पड़ोसी है और पढ़े हमारे बच्चे अगर दोषी हैं तो उनको सजा दो, उनको फांसी पे लटका दो। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के साथ ना इंसाफ करो। ये लोकतंत्र है भैया। दोसा से कोई भी एक प्रतिनिधि बलदेव सिंह जी राजावत आएंगे और एक मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। बलदेव सिंह जी राजावत साहब बलबीर, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब तक हम दुखी दुख पाते आए हैं, पर मैं आप बात विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सीएम साहब हमारे शब्द में बता देना चाहता हूँ, मेरा बच्चा 30 हजार नौकरी लगा दी, रात दिन मेहनत करी है उन्होंने, हमारा जीव जानते हैं आपके दर्शन के अंदर अंदर। भाइयों हम दिन रात लग रहे हैं, आप सब लग रहे हो, परमात्मा सुनेगा, परमात्मा बड़ा दयालु है, देते रहिए, सबको खुशखबरी मिलेगी, उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वक्ता समय का ध्यान रखें, अगले वक्ता के रूप में सामने आएगा, सब अभी आ जाए, रद्द नहीं होगी। देखिए आपकी एकता के बल के ऊपर और आप लोगों का जो दोस्त देख रहे हैं, लोगों को बनाए रखने की अपनी अपनी जहाँ तक जाना पड़ेगा हम वहाँ तक जाएंगे, धीरे धीरे जो भी अभी बात है आराम से रहेगा, किसको भी बात रखनी है ये माइक खाली है, मंच पे खड़ा कोई नहीं रहेगा, एक एक अभिभावक आओ बात रखो। लेकिन आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, अभी आप घर मिलेंगे और आपके बच्चे नौकरी करेंगे, अब हमारे सारी नुकसान बात रखनी है, सम्मानजनक आओ बात। अरे भाई इंतजाम तो आपको जानते हैं कि आपके घर में खाना खाने आएंगे, मोबाइल नंबर से कुछ नहीं मजा तक अभी जब काम हुआ जिन्होंने 17 साल तक देश की सेवा की है और 7 गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद ये 7वीं जॉब है उनकी एसआई। उन्होंने 3 सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है, ये 4थी उनकी राजस्थान गवर्नमेंट जॉब है और मेरिट लिस्ट में रहे हैं हमेशा। तो ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जिस सम्मान के साथ 17 साल से हम निकले हैं बाहर, उसके बाद हमें ये अपमान मंजूर नहीं है। वैकेंसी अगर रद्द करनी थी तो शुरू में करनी चाहिए थी, 12 महीने से मेहनत की है, काम करेगा सुबह 4 बजे उठकर रात को 12-12 बजे सोते हैं। ईमानदारों के साथ कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग।
प्रशासन की गलती, आरपीएससी राजस्थान के अंदर एसआई भर्ती 2021 पिछली सरकार से लेकर के अब तक एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। पिछली सरकार में चुनाव के दौरान जिस तरह से यह बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ था, उसे लेकर के लगातार बेरोजगार एसआई में असफल हुए अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कल भी किरोड़ी लाल मीणा के बंगले पर पहुंचे, मांग की कि रद्द किया जाए, एसओजी ने लगातार कार्रवाइयां की, गिरफ्तारियां की। लेकिन इसका एक जो दूसरा पहलू है सिक्के का, वो देखना जरूरी है। यहाँ पर आज जो शहीद स्मारक है, यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो सफल अभ्यर्थियों के परिजन हैं। यहाँ पर इनकी वेदना, इनका दर्द, इनके आंसू ये कह रहे हैं कि हर रोज़ हर कोई ये सवाल उठा रहा है कि ये दोषी हैं। लेकिन हर आदमी दोषी नहीं है। जो दोषी है उस पर एसओजी ज़रूर कार्रवाई करें, लेकिन हर निर्दोष के ऊपर रोज़ ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जाए कि वो दोषी है। ये लोग यहाँ पहुँचे हैं और ये हर तरह के कसौटी पर गुजरने को तैयार हैं कि जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं हम उससे गुजरेंगे। हमारे परिवार वाले निर्दोष हैं, मेहनत के साथ परीक्षा दिए, सफल हुए हैं, ऐसे में सवाल क्यों उठाया जाए और रोज़ ये जहर का घूंट इन परिवारों को क्यों पीना पड़े कि इनका होनहार लाडला जो बड़ी मुश्किल से सफल हुआ उसे आज एक तरह का दोषी बताया जाए। फिलहाल ये सभी लोग पहुँचे हुए हैं, बहुत से लोग यहाँ पर ये कह करके आए हैं कि जब तक सरकार ये फैसला नहीं करेगी कि इस भर्ती को रद्द करने का फैसला वापस लिया जाता है, तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। कई बुजुर्ग हैं, कई नौजवान हैं, बच्चे हैं, सब लोग यहाँ पहुँच गए हैं, बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर क्यों आए हैं आप, कहाँ से आए, क्या मांगे? सर मेरा बेटा एसआई के अंदर 2018 में 0.68 से रह गया था। मैं बचपन से उसकी पढ़ाई की लगन बताता हूँ कि मैं साइकिल की दुकान में पंचर छिपे का करता था। जब वो 10वीं में जब टॉप कर कर आया तो उसके स्कूल वाले मेरे घर पर आए, दुकान पर आए, और मैं काम कर रहा था वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि आपके लड़के ने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है, तो मैं आपके हमारे फिल्म साहब ने कहा कि मैं आपके बच्चों को स्कूल क्या दूंगा। 2018 में 0.68 से रह गया वो एसआई भर्ती में। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, दोबारा फिर मेहनत कर। 2021 के अंदर टॉप 106 में आया वो, और आज 11 महीने से रात और दिन मेहनत कर रहा है ट्रेनिंग में। उसकी कमर में दर्द, उसकी बुखार तकलीफों को हम जानते हैं कि उसका बच्चा है, ये दादी है उसकी। हम सब लोग इतने भूखे प्यासे, मतलब जो है इतने दिनों से परेशान हैं, और कुछ लोग इस भर्ती को निरस्त कराने में लगे जो कि न्याय संगत नहीं है। हम भजनलाल सरकार से ये अनुरोध करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि दोषियों को सजा दो और निर्दोषों को न्याय दो। जो बच्चे भर्ती कर रहे हैं, ईमानदारी से यहाँ तक पहुँचे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। उन भर्ती रद्द नहीं की जाए, भर्ती रद्द नहीं होनी, कार्रवाई चाहिए जा रही है। अगर भर्ती रद्द होती है तो हम लोग सामूहिक रूप से बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। कोई पता नहीं हम आत्महत्या कर ले, आत्मदाह कर ले, हमारे सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये बड़ी बात कह दी इन्होंने यहाँ पर। आप देखेंगे कि यहाँ पर राजस्थान के कोने कोने से जो चयनित अभ्यर्थी हैं, कहाँ से आए काका? मैं किशनगढ़ से आया था, अजमेर जिला का हूँ। क्या बच्चा, कितनी रैंक थी, कितने नंबर था, कैसे सिलेक्ट हुआ था बच्चा? बच्चा 28 साल का है, पहली नौकरी भी करी पीडब्ल्यू के काका, मुझे एसआई की नौकरी करूँगा पढ़ूंगा, फिर लागा बाबू की नौकरी नहीं भी छोड़ वो, अरे एसआई में भर्ती होया। तो अभी यहाँ क्यों आए हो, क्या मांग कर रहे हो? मांग कर रहा सर, जिस दिन नौनी था माँ हमारे को रोटी नहीं पाई, मेहनत कर पढ़ाया है बहन, 8-9 साल हो गया बहन मेहनत करते हैं। आप अपने बच्चे के साथ बैठी हैं, क्यों बैठी हैं? इसके पापा है एक्स सर्विस मैन है, 15 साल वो नेवी में नौकरी करके आए। कहाँ पर करके आए? नेवी के अंदर। अभी वो तैयारी कर रहे थे 2018 से, तो आरएस की तैयारी कर रहे थे, तो आरएस में सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू में कॉल नहीं आया। इतने में एस क्यों, इंटरव्यू में कॉल क्यों नहीं आया, क्योंकि साथ में भर्ती एसआई की आ गई थी, तो फिजिकल की तैयारी करने लग गए, तो फिर वो 20 दिन उनके वेगा से गायब हो गए। अब एसआई में सिलेक्शन हो गया, अभी टीचर वाले में भर्ती में भी सिलेक्शन हो गया, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी नहीं करवाए। अब एसआई की भर्ती 3-4 साल हो गए, 2021 की है ये, अब बोल रहे हैं रद्द करेंगे, तो ये बच्चे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्या करेंगे बताओ? ये बच्चा पढ़ता है कौन सी क्लास में बेटा? क्लास में है, 5 साल का है। तो आप क्यों बैठे हो 5 साल की उम्र में यहाँ? डिमांड करने के लिए कि रद्द नहीं हो। पापा भर्ती में जाना चाहते हैं क्या कर रहे हैं? बहुत से बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं। सर आप यहाँ सबका आंदोलन लीड कर रहे हैं, क्यों ये आए, कितने लोग आए, कहाँ कहाँ से? देखिए राजस्थान के अंदर ये पहला अवसर है कि कोई थानेदारों को सड़कों पे आना पड़े, हमें चाहे सड़क से लेकर सदन तक जाना पड़े, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हमारे बच्चों को अधिकार दिला के रहेंगे। एसओजी की जो जांच है, गिरफ्तारियां हो रही है, उसको कहाँ तक सही मानते हैं? और हम चाहते हैं कि जो दोषी हैं वो फंसने चाहिए, निर्दोषों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। बड़ी टैलेंट से और मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारे अभिभावक हैं जो आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं, और ये देखिए रो रो के बुरा हाल है महिलाओं का,
बुजुर्गों का और जो जिनके माता पिता हैं उनके साथ में कितनी बड़ी अन्याय हो रही है। क्यों आते हैं यहाँ राजधानी के अंदर ये लोग? अभी आगे क्या तैयारी, यहाँ पे धरना जारी रहेगा? हाँ, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी और जब तक ये भर्ती कैंसिल नहीं होगी जब तक यही बैठे रहेंगे। जी बिल्कुल। तो ये आप देखेंगे कि राजस्थान के अलग अलग कोने से लोग आए हुए हैं, कई बुजुर्ग लोग आए हुए हैं लाठी के सहारे से। सर आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, बैठिए बैठिए। आपका नाम बताएं, कहाँ से आए? मेरा नाम जगदीश प्रसाद है, झुंझुनू झुंझुनू से आया हूँ। क्यों आए यहाँ? मेरा बच्चा है वो SI की ट्रेनिंग कर रहा है। अब अफवाह ये आ रही है कि साहब भर्ती कैंसिल हो रही है। हमारा कहना ये है कि भर्ती कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दोषी पकड़ रहे हैं, 50 कैंडिडेटों को पकड़ लिया, और दोषी उनको और पकड़ो, लेकिन भर्ती कैंसिल नहीं होनी चाहिए। कैंसिल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जो मेहनत से सफल हुए उनको मौका मिलना चाहिए। हमारे बच्चे मेहनत से हुए तो भर्ती कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अरे और अगर दोषी हैं तो उनको और पकड़ो, लेकिन कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अभी हमें यह कहा जा रहा है कि भाई भर्ती कैंसिल हो रही है, आज 12 महीने हो गए ट्रेनिंग किए और दिसंबर में पास आउट हो जाएंगे, 2.5 महीने के लिए भर्ती कैंसिल कर रहे हैं। ये हमारे साथ न्याय नहीं है। अगर भर्ती कैंसिल होगी ये हमारे साथ महा अन्याय है। आप कहाँ से हैं? मैं झुंझुनू से ही हूँ। मेरा भाई है वो SI की ट्रेनिंग कर रहा है, तो हमें ये पता चला कि वो SI की ट्रेनिंग रद्द हो रही है। तो ये एक हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो आप रद्द कर देंगे ये उन जो निर्दोष हैं उनके साथ बड़ा अन्याय होगा, और जो आगे की तैयारियों में लगे हैं भर्ती हुई जो भी वैकेंसी निकलती है उनका भी बड़ा मनोबल टूटेगा, क्योंकि निर्दोष लोगों को ना पकड़ के पूरी भर्ती को रद्द करना एक असफलता दिख रही है, और ये असफलता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी सरकार भी नहीं करेगी। हमने एक मजबूत सरकार चुनी है तो हमें सरकार ये दिखाए और दोषियों को ढूंढ ढूंढ के सजा दे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, और भर्तियों को एकदम साफ रखे, दूध का दूध और पानी का पानी करे। ये तो आप देखिए कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, राजस्थान के कोने कोने से हैं, कईयों के आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, रोएंगे रोएंगे, हम दम तोड़ देंगे, साथ नंदे मेरी साथ, ये मेरी बेटी है, एक मेरा बेटा है, कोई नहीं, एक बेटी को लगाई हक लेके जाएंगे, आप रोएंगे ना तो क्या, रोएंगे दम तोड़ देंगे, मगर मेरा हक चाहिए। हमारे पापा ने मेहनत से ये जॉब पाई है। राजधानी जयपुर में SI भर्ती 2021 के मामले में जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके अभिभावक पहुंचे हैं। ये अभ्यर्थी जो कि मेहनत से सफल हुए ऐसा इनके परिवार का दावा है कि यहाँ पर जब पेपर लीक हुआ, SOG ने गिरफ्तारियाँ की तो सभी को शक की नज़र से देखा जाने लगा। यहाँ पर जो लोग मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये सफलता हासिल की, इसमें भीड़ में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके परिवार ने पंचर बना करके अपने बेटों को पढ़ाया, ऐसे किसान हैं जिन्होंने हल जोत करके पढ़ाया, ऐसे लोग हैं जो कि लोन लेकर के मेहनत करके जैसे तैसे अपने बच्चों को सफल बना पाए, लेकिन आज जब वो सफल हुए तो भर्ती रद्द होने की नौबत आने पर ये सभी लोग अपने परिवार के साथ में शहीद स्मारक पहुँच गए। इनका कहना है कि आत्मदाह कर लेंगे, शहादत दे देंगे, लेकिन ये भर्ती रद्द नहीं होने देंगे। फिलहाल कैबिनेट की जो मांग थी उसको लेकर के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। SI भर्ती को खारिज करने वाला एक पक्ष था, उस पक्ष के खिलाफ ये हैं। इनका कहना है कि हमें जांच से, पेपर लीक से, SOG की कार्रवाई से कोई भी शिकायत नहीं है, जो दोषी है पकड़ा जाए, लेकिन जो निर्दोष हो उसको न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर आपका बच्चा कैसे सफल हुआ? बताया जा रहा है कि आप पंचर बनाते थे, बड़ी मुश्किल से मेहनत। जी सर, मेरी दुकान है साइकिल की और मैं पंचर बना बना कर मैंने मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया। जब मेरा बच्चा 10वीं में आया तो उसने स्कूल को टॉप किया, तो उसके प्रिंसिपल वगैरह मेरे काम करते हुए दुकान पर आए, मैं काम कर रहा था, तो आकर कहा कि साहब आप ऐसा काम करते हो और आपका बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है, तो हम इसको ये मिठाई का डब्बा लाए मेरे को। मैंने कहा साहब मेरे तो स्थिति जैसा भी था, मैं मजदूरी करके, बोला मिठाई लो और हम आपके बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। उन्होंने मेरे बच्चों को 12वीं तक स्कॉलरशिप दी, उसके बाद पढ़ाई करी, फिर उसने ये कहा 2018 की वैकेंसी में उसने SI की भर्ती में 0.68 से रह गया वो, तो
तो मैंने कहा बेटा हताश मत हो, हिम्मत मत हार, दोबारा फिर मेहनत कर। हमने कोई भर्ती को रद्द करने की मांग नहीं करी, हमने किसी तरह का कोई किसी पे एलिगेशन नहीं लगाया, हमने हमारे बच्चों को समझाया कि बेटा तेरी मेहनत में कुछ कमी रह गई, फिर मेहनत कर। उसने फिर 2021 का पेपर दिया और 106 रैंक लाकर उसने टॉप किया और आज 11 महीने से उसकी कमर में दर्द होते हुए भी ट्रेनिंग दे रहा है, घोड़े से गिर गया तो ट्रेनिंग दे रहा है, रात दिन सुबह 4 बजे से शाम को 11 बजे तक मेहनत करता है, पूरा परिवार मतलब लगा हुआ है उसके उसके लिए, और हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा बेसिक सहारा नहीं है। हमारी ये माता जी ये रात दिन दुआ कर करके कि मेरा बेटा मेरा पोता, आज अगर उसके साथ कोई अन्याय होता है तो हमारी पूरी की पूरी फैमिली सामूहिक रूप से आत्मदाह करेगी, खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बचने के लिए कुछ शुक्र नहीं रहेगा। मैं भजन लाल सरकार से अनुरोध करता हूँ कि आप न्याय करो और दोषियों को सजा दो, हम आपके मतलब इस बात से पूरा वो करते हैं, इंसाफ हो लेकिन भर्ती रद्द नहीं हो, नहीं होनी चाहिए, वरना खत्म हो जाएगा, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत से लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, अलग अलग जगह से आए हैं यहाँ पर, एक महिला मौजूद है, आपके कहाँ के रहने वाले? गांव बरना किशनगढ़ तहसील अजमेर जिला। क्या करते हैं आप? मैं तो खेती करती हूँ। खेती करते हैं, बच्चे की मतलब कितनी रैंक थी, कैसे सफलता मिली? मतलब आपके पति हैं? पति है, 16 साल फौज में नौकरी करके, बस फौज में नौकरी करके आए थे, फिर मेहनत करके सफल हुए, फिर सफल हुई मेहनत करके। तो अभी क्या स्थिति है, ट्रेनिंग कर रहे हो? हाँ अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप क्या मांग कर रहे हैं? मैं मांग चाहो मगर हक चाहिए, मैंने मेरा आग चाहिए, आग नहीं देगी तो आप अड़े दम तोड़ देंगे उसके, सब वो चाहिए ना, हमारे पापा ने जो मेहनत की है उसकी मेहनत उनसे क्यों छीनी जा रही है उनका। लोग लेकिन गिरफ्तार हो रहे हैं, सारी चीज हो रही है, ये सवाल उठ रहा है। कीजिए ना आप, मेरे कीजिए ना, मैं चोर है ना तो गिरफ्तार करो, सजा दो, जो गलत है उसको पकड़ा जाए, सजा दी, गलत है जी को सजा दो, फांसी लटकाओ, पर हमारे लेकिन जो मेहनत करके सफल हुए। हाँ बीको न्याय दो, बीका कैसे चाहते हैं? न्याय करे सरकार, जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, हम भी चाहते हैं कि मिलनी चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करता है उनका हक, आज उन्हीं लोगों की वजह से हमें यहाँ धरने पे बैठना पड़ा, अगर कुछ लोगों ने ये नहीं किया होता गलत काम तो उसके लिए आज हमको भुगतान नहीं करना पड़ता। रोज आप लोगों को शक की नजर से देखा जाता है? जी हाँ, अगर हम बाहर निकलते हैं तो हम किसी को क्या जवाब दें, हमारे बच्चों को क्या जवाब दें, वो हमसे पूछते हैं तो हम उनको क्या मेहनत करते थे आपके जो सफल अभ्यर्थी का नाम? मेरे हस्बैंड है वो एक्स आर्मी मैन है, उन्होंने आप देख लो 2018 से तैयारी में लगे हुए हैं, 3 उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में सिलेक्शन पाया है और ये 4th राजस्थान की गवर्नमेंट की जॉब थी, तो क्या इतनी कोई कर सकता है? अगर काबिलियत नहीं है तो यहाँ तक कोई पहुँच सकता है क्या? कोई एक सरकारी नौकरी भी पाना मुश्किल होता है, अगर 7 सरकारी नौकरी किसी ने पाई है तो काबिलियत तो रही होगी ना, तो उसके लिए हम भुगतान क्यों करें? कुछ लोगों के लिए हम क्यों अपना अधिकार छोड़ें? हमने तो मेहनत की है ना, और जो इतने एग्जाम फाइट करने के बाद उस इंसान को उम्र में है कि आर्मी से आए कि अब दोबारा कैसे करेंगे, वो दोबारा इतनी मेहनत कोई कर सकता है? जो पिछले 8-9 साल से उनका बच्चा छोटा सा था तब से वो पढ़ रहे हैं, आज उनका बच्चा 6th स्टैंडर्ड में है, वो क्या अपने बच्चे नहीं पालेंगे, उनको नहीं पढ़ाएंगे, क्या खुद ही पढ़ते रहेंगे? आप कहाँ से हैं? हम सुजानगढ़ से। आपके पति हैं, बेटे हैं? कौन पति है हमारा, पहले आर्मी में थे नायब सूबेदार, 18 साल तक रहे थे, फिर वीडियो में पास हुए, फिर आरएस के उन्होंने पहले आरएस का भी दिया था पर उनमें सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उम्र भी थोड़ी होती है कुछ चीज़, फिर वीडियो करके आए 8-9 महीने, फिर एसआई में सिलेक्शन हो गया था इनका, फिर वहाँ पे गए थे, अभी एक साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, बच्चे बड़े बड़े हो गए पढ़ाई कर रहे हैं, अब उनकी नो जॉब छूट जाएगी तो फिर बच्चों का क्या होगा, बच्चे शादी योग्य हो गए, पर हम यही कहते हैं कि दोषियों को सजा दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, यदि आपको वो भी दोषी लगते हैं आप तो उनकी भी जाँच करो, बोले पर जो मेहनत करके हमारे आप जांच करके जो निर्दोष हैं उनको सजा नहीं मिली क्योंकि इस आपके बेटे बेटी है एक, सर मैं बोल रही हूँ आपको बार बार कि मेरे तो ना तो बेटा है ना मेरा हस्बैंड है, एक बेटी है उसको पढ़ाई लिखाई कराई, छोटे छोटे 3 पोती पोते, तो उसको पालने के लिए सब सरकारी सर्विस मिल जाए तो कोई नहीं, तो अब ये सरकार छीन रही तो मैं तो अधिकार ऐसे जानो कि भाई सबको मिले, गलत है मेरी बेटी गलत है तो पकड़ो। हमारे बच्चे हमसे यही पूछते हैं कि मेहनत करके पढ़ने के बाद में भी ये मिलता है तो हम क्यों पढ़े, हम क्यों एग्जाम दे, मतलब असर तो पड़ता ही है ना बच्चों पर, तो आप जानते हो कि पहले असर पड़ता है। बोलते हैं हमारे कि मिठाई उस दिन सुना जाए तो मिठाई बांटी, क्या हुआ आज भी मिठाई, क्या मुंडो दिखाई सर हमें, कहाँ से मुझे, आप कहाँ से? मैं सीकर से हूँ सर। आपके कौन? मेरी बहन है। आपकी बहन है, क्या नाम है, कितनी रैंक थी, कैसे मेहनत की उन्होंने? मेहनत बहुत ज्यादा की सर, वो पहले राजस्थान पुलिस में थी कॉन्स्टेबल, अभी सर वो इसमें लगी है, पर सर हमने इतनी मेहनत की, नॉर्मल परिवार से उठ के इतनी मेहनत की है, अब सर जो गुनहगार है उनको आप सजा दो पर जो ईमानदार है उनके साथ आप न्याय करो, बस हमें यही बात है। आपके पति नेवी में हैं?
थोड़ा इधर घूम जाएं। हाँ। नेवी से रिटायर हैं और अभी एसआई में सफल हुए थे। हाँ। आप थोड़ा सा इधर घूम जाएं कैमरे के। अरे बता तो देते हैं जी, वो लाइव था, ये रिकॉर्डेड है। अच्छा, हाँ वो एसआई में पहले तो एक्स सर्विस मैन है, नेवी से रिटायर्ड है और 2018 में रिटायर हुए थे, 2018 से भर्ती में लगे हुए हैं। तो उसने आरएस की तैयारी की 2 साल, आज 5 साल हो गए थे, 2021 में एसआई की भर्ती थी और टीचर में भी सिलेक्शन हो गया उनका। तो ये साथ साथ ही भर्तियाँ थी, तो टीचर में नहीं जाके वो क्या कि आरएस में भी इंटरव्यू में कॉल नहीं आया, लेकिन आरएस की मेन एग्ज़ाम क्लियर कर ली थी उन्होंने और टीचर में हो गया था थर्ड ग्रेड में, लेकिन बोले थर्ड ग्रेड में जाके एसआई में जाऊंगा। अब 5 साल हो गए, हम बच्चे सफ़र कर रहे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अलग के तैयार रह रहे, वो 1 साल से अलग रह रहे हैं और 5 साल हो गए तैयारी करते हैं उनको। तो अब बोल रहे हैं कि 1 साल हो गई अलग उसको तैयारी, अब 2 महीने का है, दिसंबर में उनको आउट दे देंगे यहाँ से, लेकिन अब बोल रहे हैं कि रद्द करेंगे। अब रद्द करेंगे तो हम क्या करेंगे फिर? अब वो तैयारी थोड़ी होंगी, 40 के तो हो गए, वो उनकी उम्र भी तो हो रही है ना। अब 40 की उम्र में वो तैयारी करेंगे या बच्चों पे ध्यान देंगे? आज 5 साल मेरे ये 5वीं क्लास में तो आ गया बच्चा, अब इस पे ध्यान देंगे या हम? इतने मेरे मुश्किल से तो मैंने बच्चे पाले, पहले तो नेवी में थे वो बच्चे, तो मैंने मेरे खुद बच्चे पाले मेरे के लिए, और अभी ये बोल रहे हैं कि अब ऐसा ही तैयारी करो, तो मैं अकेले करती कितने पढ़ूँगी बच्चों को? तो यही बात है कि ये बच्चे ना तो खेल पाते हैं, नहीं बाहर घूम पाते हम, नहीं बच्चों के साथ रह पाते हैं, और तैयारी में तो 40 साल तो निकल गई हमारी। तो इसलिए कि रद्द नहीं की जाए, दोषियों को पकड़ो और निर्दोषों को सजा मत दो। भाई आप कहाँ से आए? मैं तो अभी इंटरव्यू दे दिया, मैं तो ये जो मेरे बच्चे की वाइफ है और वो जून में जो बच्चा आप झुंझुनू से आए हैं। आप खुद क्या किसान? किसान नहीं, मैं रिटायरमेंट लिया हुआ, न्यायपालिका में था, मैं सेशन जज का रीडर था, अब रिटायर हो गया। अब मेरा बच्चा है ना, वो नेवी से रिटायर है और वो एसआई में अब सेलेक्ट हुआ है, 12 महीने से कर रहा है। अब सब हम तो ये चाहते हैं कि ये भर्ती कैंसिल नहीं हो, हमारा बच्चा मेहनत करके आया है और वो 2.5 महीने हो रहे हैं पास आउट करने में, तो ये रद्द हो गई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत अपूर्णीय अपूर्णीय क्षति है ये। जी बिल्कुल, तो ये कहानियां हैं जिनको अगर आप देखेंगे तो ये सफल अभ्यर्थियों के वो लोग हैं जिन्होंने करीब 1 साल पहले अगर देखा जाए तो जश्न मनाया होगा। इन सभी परिवारों की कहानियां अखबारों में छपी थी कि कैसे संघर्ष करके एक रिक्शे वाले का बच्चा, एक पंचर सुधारने वाले का बच्चा, एक किसान का बच्चा, एक रिटायर्ड फौजी, एक रिटायर्ड नेवी का आदमी, तमाम मुश्किलों से लड़ने वाली बेटियां सफल हुई थी। और आज जब सफल होने के बाद में यहां पर इनकी सफलता का फल मिलने का वक्त आया है, तब पेपर लीक होने की वजह से भर्ती के रद्द करने की नौबत आ गई। ये सभी लोग यहां पहुंच गए हैं, इन्होंने कहा है कि भाई जिस तरह से मुश्किलों के साथ में सफलता हमें मिली, दूसरा चांस मिलने वाला नहीं है। कुछ लोग ओवरएज होने के हैं, कुछ की जो तमाम कोशिशें हैं वो अब जवाब देने वाली हैं, ऐसे में भर्ती रद्द हुई। तो ये सभी लोग बड़ा कदम उठाने की ओर बढ़ रहे हैं। इनकी जो बुनियादी शिकायत है वो ये है कि जो दोषी हैं उनके ऊपर एसओजी कार्रवाई करे, गिरफ्तार करे, लेकिन जो निर्दोष है उनको सज़ा ना दी जाए, ना उनकी भर्ती रद्द की जाए, ना ही उन्हें शक की नज़र से देखी जाए, क्योंकि बहुत मुश्किलों से उन्होंने ये सफलता हासिल की थी। देखना ये होगा कि सरकार इस पूरे मामले में क्या फैसला लेती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। मेरा एक काम करने का तरीका होता है हर पत्रकार का, ना मेरी बात सुनो, है ना, कान खोल के सुनना और ये अपने अंदर की जो है ना फ्रस्ट्रेशन ये बाहर निकाल के फेंक देना, क्योंकि तुम्हें लग रहा है